हेलो फ्रेंड्स, डीडी एकेडमी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास है आयु पे, और ये पूरे संपूर्ण एज के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उसे एक ही सेशन में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान के जाने माने बुक्स जो हैं, जिसमें करीब 53 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन को आप मैंने छांटा है जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक का पीओ हो। आप भी देखेंगे तो समझ जाएंगे, और हम जैसे करते हैं काफी सिंपल सहज रूप में ब्लॉक सिस्टम में किया हुआ है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 4:5 है। तो देखो, हमने क्या किया, ए बी लिखा 4:5, 4x 5x, 4:5 है तो क्या लिखा, 4x 5x। पांच वर्ष बाद मतलब +5 +5। फिर से हम करते हैं, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो हमने किया 4x 5x, ए बी तो बोलने की जरूरत नहीं है। पांच वर्ष बाद +5 +5, क्रमशः 5:6 हो जाती है, 5:6 हो जाती है। देखिए इस पैटर्न को खाली देख लीजिए। अब क्या करना है, अब देखिए, आप चाहे इससे इसको गुना कीजिए या इससे उसको गुना कीजिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हम एक समीकरण को कर रहे हैं, लेकिन समीकरण को हम ब्लॉक मेथड में कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इतना बोलूंगा। चलिए हम ऐसा करते हैं, 5 से गुना करते हैं। इसमें देखिए कोई डिफरेंस नहीं होता, इससे इसको पहले गुना कीजिए कि इससे इसको गुना कीजिए, जो दिल में आए। अब 5 से करते हैं 50 25x, और 5 से 5 दिया 25। अब 6 से करते हैं, देखिए 4 6 24x लिख दिया, 5 6 30। अब देखिए खाली हमें देखना पड़ता है, यहां प्लस है यहां प्लस है ना भैया, बस इतना ही देखना पड़ता है। फिर हम दोनों का अंतर, बड़ा कौन है 25, छोटा कौन है 24, घटाएंगे क्या होगा, तो 25x से 24x जाएगा, तो x यहां देखिए क्या है, 25 और 30 है, बड़ा कौन है 30 है, छोटा कौन है 25 है, तो 30 से 25 घटाएंगे तो 5, तो x बराबर 5। तो पूछा था कि a की वर्तमान आयु कितनी है, ये रेलवे में 2010 में आया था। तो ए क्या है, 4x है, ये तो +5, तो ये 5 साल पहले वाली बाद वाली कहानी है। अभी की वर्तमान आयु क्या है, ए का हमने लिया था, देखो वर्तमान आयु 4x, तो चार ए बराबर 4x = 5 = 20 साल हो गया। मैं फिर तरह देखते हैं, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 है, क्या लिखा, 4x, नीचे 5x, ए बी लिख दिया, 5 वर्ष बाद +5 +5, अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है, 5:6 हो गया। अब देख गुना धनात्मक, 5 से 5x किया 25x, x के घर में x रहेगा, संख्या के घर में संख्या रहेगा, 5 को 5 से गुना किया 25, फिर 6 से गुना किया 24x, और 6 को 5 से गुना किया 30। अब क्या देखा जाता है, इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, कोई चिंता दुर्भावना नहीं है। अब क्या है कि इनकी अंतर 25x से 24x जाएगा तो x, फिर इनका अंतर 30 से 25 जाएगा तो 5। अब बोला है ए की वर्तमान आयु हमने 4x पकड़ा है, x बराबर 5 है, 4 से 5 गुणा कर दिया 20। चलिए अब नेक्स्ट मैथ करते हैं। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। चलिए मीरा लिखा, प्रिया लिखा, 3x लिखा, 4x लिखा, 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो -10 -10, उनके आयु का अनुपात 4:7 है, पहले वाला क्या था वही है, थोड़ा सा अंतर है। अब क्या करते हैं, वही है, देख दरादन गुना, 7 से 3x - 10, 3 7 21x, और 70, फिर 4 से किया चर्चे के 16x, और 4 से 10 गुना किया 40, 21x से 16x घटाएंगे तो 5x,
और 70 से 40 घटाएंगे तो 30। अब है कि 5x बराबर 30 होगा तो x बराबर क्या होगा 30 बटे 5, तो 5 से 30 को काटेंगे तो x बराबर 6। अब बोलता है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, बैंक पीओ 2010 था यार, 5 वर्ष बाद। अब मीरा की 5 साल के बाद क्या होगी, मीरा के अभी क्या है 3x, तो 3 इंटू एक्स को तो 6 आ गया है, प्लस 5 साल बाद प्लस 5 जोड़ दिया, 3 6 18 और 5 23। तो देखें ये ऐसे बहुत ज्यादा तीर नहीं मारा जा रहा है, लेकिन देखिएगा कि ये समझने की सहजता को पैदा करता है और दूसरा आपके स्पीड को बढ़ाता है, क्योंकि आप टेबल नहीं बनाते हैं, मीरा के सामने ये दो लिखते हैं, प्रिया के सामने ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो फिर आपकी कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही छोटी हो जाती है, जिससे वक्त बचता है और चीजें आपको सही दिखता है, कंफ्यूजन की चांसेस कम हो जाते हैं, बस इतनी सी बात है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट मैथ करते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, 10 वर्ष बाद बोला है, ठीक है ना, जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। देखो भैया, फादर है सन है, 10 साल बाद 5x 3x, सही है, कहीं कुछ नहीं, सीधा बोला सीधा लिखा, बड़ा सा सावधान क्यों है भैया, ये 10 वर्ष बाद है, 10 साल बाद लिखा है 5x 3x। अब बोलता है 10 वर्ष पूर्व, जल्दीबाजी में अच्छे अच्छे मैथ जानकार क्या करते हैं, 5x-10 लिखते, नहीं 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष बाद, आज का नहीं, आज से 10 साल बाद का 5:3 था, तो 10 साल बाद से आ जाएंगे तो 10 साल घटाना होगा, फिर 10 साल पीछे जाएंगे तो क्या होगा 20 होगा, इसको जरा समझिए, इसलिए मैंने ये सावधान का सिंबल दिया हुआ है, क्योंकि यहां गलती होती है। तो 5x-20, 3x-20 इज़ इक्वल टू 3:1। अब तो हम जानते हैं, देख गुना देख धनात्मक, 3 से 3x, 3 से 3x को गुना करेंगे 9x, 20 को 3 से करेंगे 60, दोनों माइनस है, हाँ ठीक है, बस चलो, 1 को 5x से गुना किया 5x, 20 को 1 से गुना किया 20, अब 9 से 5x घटाया तो 4x, 60 से 20 घटाया तो 40, x बराबर 40 बटे 4 बराबर 10। अब पूछा क्या, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। अब देखो यार, हमने जो x माना था वो 10 साल बाद का था, ठीक है ना, तो अभी क्या होगा, वर्तमान आयु मतलब अभी 10 साल, तो मतलब से 10 साल घटा देना होगा ना, तो 5x-10 करना होगा, 3x-10 करना होगा, ये क्या है 10 साल बाद का है, मतलब 2017 का नहीं है, ये 2027 का है, अब पूछ रहा है 2017 का, तो क्या करेंगे, इसमें से 10 साल घटाएंगे ना, तो 5x बराबर कितना होगा, x 10 है, 5 को x से 10 से गुणा किया 50, 50 से 10 घटाया तो 40, 3x मतलब 3 गुना 10 30, 30 से 10 घटाया 20, 40 बटे 20, सुनना सुनना कट गया, 2 से 4 को कटा 2, 2 बटे 1 आंसर हो गया। देखो ये SSC परीक्षा 2006 में आया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई जान है, कुछ जान नहीं, खाली एक सावधान है, उस मैटर को खाली दिमाग में रखना है, जब आप एक बार इसका रिवीजन करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, ये बैंक पीओ परीक्षा 2008 में। तो देखो औसत आयु पहले 34 वर्ष है, किसकी किसकी बातें हो रही है, व्यक्ति और उसकी पुत्री की, मतलब दो जन है तो कुल आयु क्या होगा 34 × 2 = 68, ये दो क्या है, ये दो जन का औसत आयु है 34, इसलिए कुल आयु कैसे निकलेगा, कुल आयु निकलेगा 34 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये कुल आयु 68 वर्ष होगा, ठीक है। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात, अब 4 वर्ष बाद है, ठीक है ना, हमने क्या बोला, उनकी आयु का अनुपात 14 और 5 है, देखो पिता 14x पुत्री 5x, ध्यान देना 4 वर्ष बाद या माइनस माइनस कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना, 4 वर्ष बाद मतलब आज के आयु के, आज 17 है, उसके 4 साल बाद क्या होगा,
68 तो है ही है और प्लस 8, ये 8 कहां से पैदा हो गया ये पहले हम समझे। 4 साल बाद है तो पिता का भी 4 साल होगा जुड़ेगा, पुत्री का भी 4 साल जुड़ेगा, तो जुड़ के क्या होगा 8 साल। समझ लो 2017 में पिता और पिता का उम्र 14x है, पुत्री का उम्र 5x है और पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद, मतलब 2017 है 18, 19, 20, 21, तो 2021 के लास्ट में या 2022 में बोला गया है कि 2022 है, तो पिता का भी उम्र तो 4 साल बढ़ेगा ना जी 22 तक में जाके, पुत्री का भी 4 साल बढ़ेगा, अभी 68 है और 8 साल इसलिए जुड़ा इसमें तो 76 हुआ। अब देखो 14-5 क्या हुआ, 19x बराबर 76, x बराबर 19 × 4=76, तो x बराबर 4। अब 4 साल पहले पुत्री की आयु, अभी देखो 5x है मतलब अभी जो है मतलब 4 वर्ष बाद पुत्री की आयु हमने क्या पकड़ा था 5x, ठीक है ना। 4 वर्ष बाद मतलब ये उम्र क्या है 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2017 में क्या होगा 4 साल घटाना होगा ना जी, तो 5x मतलब 4 × 5=20, क्या कि x बराबर 4 है उसमें से 4 घटाया तो 16 हो गया। चलिए हम नेक्स्ट को देखते हैं, तो ये आशा करता हूं एकदम कंप्लीट, कोई तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है ऐसे मैथ में, बड़ा ही सरल होता है। अगर सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधा है, सुरेश की आयु उसके पिता के आयु से आधा है तो नेचुरली सुरेश की पिता की आयु दुगुना है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाप का अगर सुरेश का 40 साल है तो पिता का 20 साल तो होगा नहीं, ये तो हिंदी पिक्चर में भी नहीं होता है यार। अगर सुरेश का उम्र 40 साल है तो बाप का 80 साल होता है, तो यहां हमने सुरेश का x लिखा पिता का 2x लिखा। अब क्या बोलता है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके आयु से डेढ़ गुनी होगी। देखो एक शब्द को मैंने इसके पहले के भी क्लासों में बोला था, डेढ़ गुनी मतलब 3/2, डेढ़ गुनी मतलब 3/2, डेढ़ गुनी मतलब 3/2, दिमाग में रखना दोस्तों। अब देखो सुरेश की आयु और पिता की आयु, तो पिता की आयु 20 साल बाद क्या होगा 2x + 20, सुरेश की आयु 20 साल बाद क्या होगा x है सुरेश की अभी की आयु x + 20, और इन दोनों का अनुपात क्या होगा 3/2। फिर हमारे पास क्या आया देव धनाधन, 3 से किया 3x, 3 से 20 को गुना किया 60, 2 से 2x को गुना किया 4x, 2 से 20 को गुना किया 40। अब क्या है दोनों देख लिया प्लस है ना, हाँ ठीक है। फिर इनका अंतर मतलब 4x से 3x घटाया तो x, इनका अंतर 60 से 40 घटाया तो 20, तो x बराबर 20। अब पिता 2x थे तो पिता मतलब 40 साल हो गया, तो पिता की वर्तमान आयु 40 साल हुई। तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होने का तो जगह ही नहीं होता है ऐसे सवाल को अगर इस तरह से लिख के आप सही तरह से आप दर्शाते हैं तो, और बहुत ही फास्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट मैथ में आते हैं। रमा तथा मोना की वर्तमान आयु की अनुपात क्रमशः 89 है तथा उनकी आयु का योग 68 है। देखिए जैसे लिखने की स्टाइल को जरा देखेंगे, क्योंकि ब्लॉक्स में कर रहे हैं आप, आपने रमा लिखा मोना लिखा 8:9 है तो क्या किस फॉर्म में लिख रहे हो 8x 9x, और देखो दोनों का एक घर बना के कर दिया 68। अब आपको 8 और 9 को जोड़ते हो तो 17x = 68, x = 4। अब बोलता है 10 वर्ष बाद रमा तथा मोना की आयु का अनुपात क्या होगा। अभी रमा और मोना की आयु क्या है, रमा की 8x है 9x है, x बराबर क्या है 4 है, 8x बराबर 32 है, 10 साल बाद क्या होगा +10। मोना की आयु अभी क्या है 9x है, x बराबर 4 है, तो 4 को 9 से गुना किया 36 है, 10 साल के बाद क्या होगा +10 है, तो 32 और 10 42 हो गया, 36 + 10 = 46 हो गया। 2 से काटते हैं तो 21 × 42 होता है, 2 से 46 को काटते हैं तो 23 × 46 होता है, अनुपात 21/23 होता है। फिर देखिए एक बार कर लेते हैं, रमा तथा मोना की वर्तमान आयु क्रमशः 8:9 है,
रमा मोना इधर लिखा 8x और इधर लिखा 9x, दोनों के आयु का योग 68, यहाँ 68 लिख दिया, 8 9 17x हुआ, ये बराबर 68। देखो योग है, यहाँ घटाते नहीं हैं, योग है 68, इसलिए ब्लॉक एक कर दिया है मैंने 68 ये समझने के लिए। तो x बराबर 4 है। अब बोलता है 10 वर्ष बाद रमा तथा मोना के आयु का अनुपात क्या होगा, अभी क्या है भैया 8x है, x बराबर 4 है, 8x मतलब 32 है, 10 साल बाद मतलब 32 और 10 42 हो गया। फिर अभी मोना का क्या है 9x है, x बराबर 4 है, 9 और गुना 4, 4 नवा 36, 36 के साथ 10 साल बाद बोला है तो 36 और 10 46, तो 42 बटे 46, 2 से कटेगा ये तो 21 होगा, 2 से 46 कटेगा तो 23 होगा। तो चलिए हम आगे के सवाल को करते हैं। रीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है ना, ये बैंक पीओ 2009 है। ये तीन चार बार इस तरह के सवाल आपके, ये कोई अगर हमारे स्टूडेंट्स में से आरआरबी वगैरह कर रहे हैं तो इस सवाल को जरूर देखेंगे कि अब ये थोड़ा सा ट्रेंड आ चुका है, और पीओ में तो बहुत बार पूछा गया, क्लर्क लेवल में नहीं पूछा है, तो है ही कि कहीं हो सकता है ये कहीं कूद के अब आ जाए भी। तो देखते हैं रीना की आयु 15 वर्ष है, लिख दिया रीना की आयु 15 वर्ष है। रीना तथा राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। चलिए रीना लिखा राहुल लिखा, 5:7 है, 5x लिखा 7x लिखा, लेकिन रीना 15 है बोला हुआ है, इसलिए जानबूझ के मैंने 15 लिखा। तो x बराबर क्या होगा, 5x बराबर 15, 5 को किससे गुणा करेंगे तो 15 होगा 3 से, तो यहां x बराबर क्या होगा 3, माथे पे लिख दिया। तो रीना 5x है तो राहुल भी तो 7x है, तो x का वैल्यू कितना है 3 है, 7 से 3 गुणा कर दिया 21 हुआ, ठीक है। अब क्या बोलता है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। फिर एक घर बनाया, दिनेश 5x, राहुल 3x। अब देखो राहुल का क्या बोला हुआ है, राहुल का यहां 7x बराबर 21 है, ठीक है ना, इधर भी राहुल है, यहां 3x, लेकिन यहां 3x तो मैं लिख रहा हूं 5:3, लेकिन इस 21 को फिर से लिख दे रहा हूं, दिनेश का 5x था देखो, तो 3x बराबर 21, तो x का वैल्यू क्या होगा 7, देखो ऊपर लिख दिया, अगर x 7 है, दिनेश का तो 5x हुआ है, तो दिनेश का क्या होगा 5×35। देखो ये वैल्यू कहां से कैसे निकला, बार बार बोलता हूं, फिर 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु, दिनेश की 35 निकल गई है, 4 वर्ष बाद मतलब दिनेश की आयु में 4 साल और जुड़ जाएंगे 39। फिर से आते हैं, देखो रीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, रीना 15 वर्ष लिखा, और इधर लिखा रीना तथा राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो हम 5x और 7x लिख देते हैं, लेकिन साथ साथ में रीना का 15 साल भी तो लिखना होगा, रीना का 15 साल लिखते हैं तो x बराबर क्या होगा 5x बराबर 15, x बराबर 15 बटे 5 बड़ा x बराबर 3, तो राहुल कितना हो जाएगा 7x है, राहुल का 7x है, मतलब x का वैल्यू आपका 3 हम जानते हैं, चाहे कि रीना से ये केस मिला हुआ है, तो 3 से 7 को गुणा कर देते हैं तो 21 हो जाता है। अब देखो उसके बाद दिनेश तथा राहुल के लिए फिर ब्लॉक बनाते हैं, फिर दिनेश तथा इसका बोलते हैं 5:3 है, तो हम जानबूझ के 5x और 3x लिखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि राहुल का उम्र जो है 21 है, जो यहां से हमें मिला हुआ है उस 21 को लिखेंगे। अब हमें x का मान निकालना है, x का मान मतलब 21 बटे 3, 3 नीचे चला जाएगा, तो 3×21 मतलब x का वैल्यू 7, जैसे x का वैल्यू 7 हमें मिल गया, दिनेश का 5x है, मतलब दिनेश के 5 और x के जगह पे 7 से गुणा कर देना है, तो 5×35 हो गया, तो दिनेश का वर्तमान उम्र जो है वो हमें तो मिल गया 35 साल। बोलता है कि 4 साल बाद दिनेश की आयु क्या होगा, तो नेचुरली 35 के साथ हम 4 जोड़ेंगे, तो दिनेश की आयु 4 वर्ष के बाद 39 होगा। देखिए यहां पे क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत क्लियरली आपको चीजें दिखता है, इसके लिए आपको क्लियरली समझ में आता है, और चूंकि लिखने का काम कम है तो नेचुरली मैं तो रीना लिखा, आप घंटा रीना लिखने जाओगे आप तो आर आई करके चले जाओगे, राहुल का आर ए करके निकल जाओगे,
है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाते हैं। हमारी मां की आयु मेरे भाई की आयु से तीन गुनी है तथा मैं अपने भाई की आयु से एक बटे तीन गुना बड़ा हूं। चार वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी मां की वर्तमान आयु कितनी है? ये होटल मैनेजमेंट परीक्षा पढ़ने के बाद तो बड़ा डर लगता है दोस्त, ये हो जाएगा मेरे से, लेकिन जानना बड़े प्यार से होगा, इस स्टाइल में करोगे तो। अपने को तो सुनना उनना कुछ नहीं है, जितना भी डरा है अपने अपने स्टाइल में चलेंगे। तो मां भाई मैं लिख दिया, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी मां है, मां बड़ी होती है ना, तो मां को पहले का, बीच में भाई है, क्योंकि हमारी मां की आयु मेरी भाई की आयु से तीन गुनी है। तो भाई को एक्स लिखेंगे तो मां क्या होगा, थ्री एक्स है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली तो बात नहीं है। देखो अब क्या है, मैं क्या हूं, अपने भाई के आयु से एक बटे तीन गुना बड़ा हूं। देख भैया, भाई के बराबर होने के लिए वन करना पड़ता है, प्लस मारा, भाई से बड़ा हूं तो एक बटे तीन, जो लिखा हुआ है आयु से एक बटे तीन बड़ा हूं, तो भाई के बराबर एक हुआ, ठीक है ना। उससे बड़ा हूं तो प्लस एक बटे तीन। अगर भाई पांच साल है, पकड़ लेते नौ साल है, तो मेरा क्या होगा, मैं भाई से एक बटे तीन बड़ा हूं, तो भाई का नौ साल आएगा पहले, ये एक का मतलब हुआ, प्लस एक बटे तीन गुना नौ, मतलब यहां तीन साल आएगा, तो नौ और तीन बारह साल होगा, ठीक है ना। तभी मैं भाई से एक बटे तीन बड़ा हो पाऊंगा, और खाली एक बटे तीन कर दिया तो नौ बटे तीन, मेरा उम्र तीन साल हो जाएगा, तो भाई से मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा। तो ये जो है ये आपको ध्यान में रखना होगा, मैं अपने भाई की आयु से एक बटे तीन गुना बड़ा हूं, तो मतलब एक बटे तीन लिखने से नहीं चलता है, वन प्लस होता है। और ये मैंने आपको दिखाया, अब है कि आपको करेंगे कैसे, एक बटे तीन गुना बड़ा है, तीन के साथ एक जोड़िए चार, तीन तो नीचे रहेगा, एक्स तो रहना ही है, तो मतलब मेरी मां की उम्र तीन एक्स है, भाई की उम्र एक्स है, मैं एक बटा तीन गुना बड़ा हूं, तो क्या किया, एक बटा तीन, मनी मन सोचा एक बटा तीन मतलब तीन नीचे एक ऊपर, तीन और एक को जोड़ दिया, ऊपर चार हो गया, नीचे तीन हो गया, फोर बाई थ्री एक्स। क्लियर। चार वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। चार वर्ष पहले, आज मेरी उम्र कितना है, चार बटे तीन एक्स। चार साल पहले चार घटा दिया, बराबर क्या बोलता है, चार वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। अभी भाई का वर्तमान आयु क्या है, एक्स है। तो देखो इस सवाल को फिर से कैसे लिखता हूं, चार वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। चार वर्ष पहले मैं का मतलब मेरा उम्र क्या है भैया, चार बटे तीन एक्स। चार साल पहले माइनस फोर, तो मेरा उम्र उस वक्त कितना था, भाई के उम्र के बराबर एक्स, ठीक है। अब देखो इसे हम कैसे करते हैं, यहां पे ये जो तीन है ना, इस तीन से इसे भी गुणा करते हैं, इसे भी गुणा करते हैं, ये ब्लॉक की स्टाइल है फास्ट करने के लिए। तो देखो चार के नीचे ये फोर एक्स लिख दिया, संख्या अलग लिखेगा आपको जानते हो, तो तीन चौके बारह लिख दिया, और क्या हुआ, तीन को एक से गुणा किया तो तीन एक्स लिखा, चार एक्स और तीन एक्स की डिफरेंस एक्स हुई, बारह उतर गया, तो x बराबर बारह है। मां का उम्र क्या है, थ्री एक्स है, बारह तीन छत्तीस है। तो यहां पे इस जगह को एक बार अच्छे तरह देख लेना, फिर ये गाड़ी फंसता भी नहीं है, बड़ी तेजी के साथ निकलता है, ये जितना बड़ा दिखता था उतना छोटा ये मैथ होता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, यहां दो दो सावधान है,
दो दो गड्ढे हैं संभल के। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों का औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? यह बैंक पीओ परीक्षा 2010 में है। तो बोलता है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, उसके पिता की आयु के 2/5 है। चलिए इसको पहले नहीं करके हम दूसरे को करते हैं। इन तीनों का औसत आयु 46 वर्ष, इसलिए फटाफट हो जाता है। औसत आयु 46 वर्ष है। कितने बंदे हैं जी? राम है, राम का बेटा है, राम का पिता है, तीन जन है। तो 46 × 3 = 138। अब हमारी स्टाइल आप जानते ही हैं, पुत्र लिखा, राम लिखा, राम के पिता लिखा। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। चलिए राम का पुत्र का एक्स है, तो राम का उम्र क्या होगा? 3x होगा। और क्या बोलता है? राम उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम उसके पिता की आयु का 2/5 है। 2/5 छोटा होता है, क्यों भैया? 2 ऊपर है, 5 नीचे है। राम की जब बात करेंगे उसके पिता की उम्र की, पिता से तो कम ही होगा ना, लेकिन जब राम के पिता की बात करेंगे तो राम से ज्यादा उम्र होगा ना। तो देखो यहां 2/5 5/2 हो गया। क्यों हुआ भैया? राम की आयु जो है, राम की आयु उसके बाप की आयु से तो कम होगा। कम होने में क्या होता है? 5 नीचे 2 ऊपर, मतलब वैल्यू कम हो जाता है। और जब बाप की बात करते हैं तो राम से तो ज्यादा ही होगा ना। तो देखो ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। ये क्या है? ये बड़ी संख्या बनाने में मदद करता है। इसी को अगर 2/5 करता तो क्या होता? ये 3x को छोटा कर देता। 3x कौन है? राम है। तो राम से तो पिता की उम्र तो कम नहीं होगा। तो नेचुरली ये बस यहीं पे सावधानी है, राम के पिता को बाप की उम्र जो है बेटा से कम मत कर दीजिएगा। इसके लिए 2/5 को आपको घुमाना पड़ेगा। अब 5/2 हो गया, अब सही स्थिति हो गई। ये 3x किया है, राम है, और ये कौन है? राम के पिताजी हैं। तो इनकी उम्र जो है 5/2 होगी राम के तुलना में। क्लियर, समझ गए? अब देखिए यहां पे 2 है, अगर आप रेगुलर मेथड में करते हैं तो यहां भी वैसे ही करते हैं, लेकिन दिखता नहीं है उतना जंजाल। क्या करते हैं? देखो 2 को हटाने के लिए 2 को 1 से गुना कर दिया, 2x लिख दिया। 3 को 2 से गुना कर दिया, 6x लिख दिया। यहां तो 5 और 3 को 15 करेंगे, 2 को भूल जाएंगे। 2 को हटाने के लिए क्या किया? इसको 2 से गुना करके 2x कर दिया। 2 को हटाने के लिए क्या किया? 3x को 2 से गुना करके 6x कर दिया। और 2 को यहां भूल गए, 5 और 3 को 15 कर दिया, जोड़ा दिया 23x। अब 2 को भूलने से चलेगा नहीं, हमने 2 को यहां से उड़ा दिया है। अब 23x तो लिख दिया। अब यहां देखो कुल आयु है सबका, जोड़ेंगे यही ना, पुत्र बेटा का उम्र 2x है, राम का उम्र 6x है, राम के बाप का उम्र 15x है, ये जुड़े तो 23x है ना, ये तो है ना। यहां बोलता है कुल आयु 138 है, तो 23x = 138। गुना ये 2 कहां से आया? ये जो 2 मैंने यहां से उड़ा दिया था, उस 2 को यहां पे लौटा दिया। इसलिए 2 सावधान की वार्निंग है, एक है राम के पिता, बेटे का बाप का उम्र कभी बेटे से छोटा मत कर दीजिएगा दया करके, तो वहां उलटना नहीं भूलिएगा। दूसरा, यहां से 2 हवा की है तो फिर 2 को लौटाना पड़ेगा, इसको भी याद रखेंगे आप। तो 23x = 138 × 2x = 12। अब देखो पुत्र क्या है? 12 है। राम का उम्र क्या होगा? 12 × 36। पिता का उम्र क्या होगा? 36 का 5/2। 36 को 2 से भागा देंगे तो 18, 18 को 5 से गुना करेंगे तो 90। तो बाप का उम्र है 90 साल, बेटे का उम्र है 36 साल, राम का अंतर कितना है? 54 साल। यही तो अंतर पूछा। तो यहां पे देखो थोड़ा सा है। पहले हमने क्या किया? 3 जन है, औसत आयु बोला था 46 है, 46 को 3 से कर दिया 138। यहां तो सीधा पुत्र लिखा, राम लिखा, राम के पिता लिखा। सावधानी के मामला को यहां पे रखा, 2/5 जो टर्न होगा इसको किया। फिर ये 2 को हटाने के लिए हमने क्या किया? थोड़ा देखिए, बड़ा सीधा है,
लेकिन ये दो को उड़ाया, इसलिए सावधानी रखते हैं कि 23x बराबर 138 गुना 2, जो यहां पे 2 को यहां खा गया था उस 2 को यहां पे लौटा दिया गया। अब x बराबर क्या होगा, 138 गुने 2 बटे 23, ठीक है ना। 23 को अगर आप 6 से गुना करते हैं तो 138 होता है, तो 6 दुनी 12। अब राम का उम्र क्या है, 3x है, तो 12 3 36। पिता का उम्र क्या है, 5/2 गुना राम का उम्र, राम का उम्र बराबर 36 है। 36 को 2 से काटते हैं तो 18 हो जाता है, यहाँ 18 को 5 से गुना करते हैं तो 90 हो जाता है। तो पूछा है राम तथा उसके पिता के आयु में कितना अंतर है, पिताजी 90 साल के हैं, राम भैया 36 साल के हैं, तो 90 से 36 घटा दिया तो अंतर 24 साल आ गया। चलिए अब आगे की मैथ को करते हैं। फिर यहां भी सावधान है, आजकल बड़ा सावधानी चल रहा है। पिता तथा उसके पुत्र के आयु का योग 45 वर्ष है। तो यहां पे बोला गया है कि देखो भैया, आप पुत्र को एक्स लेंगे ना कि पिता को एक्स लेंगे, गड़बड़ यही होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी इसके लिए, ऐसे तो हिसाब से आप सभी ले सकते, लेकिन एग्जाम हॉल में गड़बड़ी ना हो जाए इसके लिए सावधानी दिया हुआ है। लड़ोगे तो दोनों ही मिथ्या ही होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, इसके लिए बोला गया है कि आप पुत्र को एक्स ले लें ऐसे सवाल में, पिता को 45 माइनस एक्स में रखें, ना कि पिता को एक्स लेके पुत्र को 45 माइनस एक्स में रखें, बस इतनी सी बात है। पिता तथा उसके पुत्र के आयु का जो 45 ईयर्स है, पिता लिखा पुत्र लिखा, पिता लिखा पुत्र एक्स है तो पिता कितना होगा, दोनों अगर 45 साल है, बेटे का अगर उम्र घटा दीजिएगा तो बाप का उम्र निकल जाएगा। 5 वर्ष पहले पिता पुत्र एक्स था, 5 वर्ष पहले क्या होगा एक्स माइनस 5, और पिता का भी 5 वर्ष पहले क्या होगा 45 माइनस एक से 5 साल घटाइएगा ना, तो 45 से 5 घटाएंगे 40 माइनस 5 होगा। अब बोलते हैं 5 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले बेटे का उम्र था एक्स माइनस 5, पिता का उम्र मिला 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल एक्स माइनस 5 गुना 40 माइनस एक्स क्या है, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, पिता की उस समय की आयु है 40 माइनस एक्स, 4 गुना मतलब 4 से गुना किया तो 4 गुना 40 माइनस एक्स। अब देखिए थोड़ा तो आपको भी मतलब है कि मैं ये पकड़ता हूं, कमजोर छात्र लिखा हूं, लेकिन मैं भी जानता हूं उतने तो कमजोर नहीं है जितना मैं आप लोगों को दर्शा देता हूं। तो ये क्या कि देखो समीकरण है, 40 माइनस एक्स है, इधर भी तो 40 माइनस एक है, कट गया, तो एक्स माइनस 5 बराबर 4, एक्स बराबर माइनस 5 इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 + 5 बराबर 9। इसको भी ब्लॉक में कर सकता था यार, लेकिन क्या होता ना ये ब्लॉक थोड़ा सा, जिस तरह से मैं ब्लॉक करता हूं उससे थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है, तो वो कहीं आपको कंफ्यूजन कर देता। मैंने कहा कि नहीं यार रहने दे, ये जो सीधा जाना है तो सीधा लेके चलते हैं। तो देखो पिता का उम्र क्या है, पिता का उम्र क्या है, हमें एक्स की वैल्यू तो 9 मिल गई, पिता की उम्र जो है वो मेरे को पिता की उम्र जो है 40 है, 40 से हमने 9 घटाया 31 हुआ, पुत्र की उम्र है 9 साल, तो ये हमारी हो गई मतलब आंसर 31 और 9 40, ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, और अगर अभी की बात होती तो मेरे को 45 से 9 घटाना पड़ता, ठीक है ना। तो अगर 45 से 9 अगर घटाते तो ये क्या होगा 36 होगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल पिता के उसके गुणनफल का 4 गुना था, पिता तो था पुत्र की आयु का, आयु क्रमशः होंगे, तो क्रमशः अगर है तो हमने 40 से 9 घटाया है, ठीक है। देखो यहां पे स्थिति क्लियर नहीं है, अगर मैं आज की बोलता हूं वर्तमान या कुछ उसने लिखा नहीं है, अगर मैं इसको लेता हूं तो क्या होगा पुत्र तो 9 ही होगा, ये जो होगा ये 45 माइनस एक्स करना होगा, तो यहाँ पे दोस्त एक गलती तो भी जरूर है, यहाँ पे ये 45 होगा
और 45 से अगर 9 घटाएंगे तो दिस विल बी 36, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। अंजू लिख दिया, एक ही तरह से कर रहे हैं तो कहीं तो कुछ डिफरेंस होता ही नहीं है। 13x लिख दिया, संध्या का 17 था, 17x लिखा, पहले भी ऐसे कर रहे थे। अब बोलता है 4 वर्ष पहले, तो -4 दोनों में घटाया तो बोलता है कि अनुपात 11:15 हुआ, 11:15 लिख दिया। अब अपना तो स्टाइल वही है यार, दे दराधन, 11 से 17 गुना करेंगे तो क्या होगा, 187x। फिर अगर 15 से 13 गुना करेंगे तो देखो 15 10 150 और 15 3 45, 150 और 45 195 x। फिर है कि 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60, 11 से 4 गुना करेंगे तो 44, अंतर 195 100 और 187 x का क्या होगा 8x। इधर 60 से 44 घटाएंगे तो क्या होगा 16, तो x बराबर 2। अब बोलता है कि 6 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए, अंजू का एज आफ्टर 6 ईयर्स, अंजू क्या है 13x है, तो 13 गुना 2, अभी अंजू 13x है ना, और बोलता है 6 साल बाद प्लस 6, 13 2 26 6 32 हो गया। संध्या का एज बोलता है आफ्टर 6 ईयर्स, संध्या का अभी कितना है 17x है, x बराबर कितना है 2, तो 17 2 34 और 6 साल बाद है प्लस 6 = 40, तो अंजू इस टू संध्या क्या होगा 32:40, 8 से काटते हैं तो 4 8 32, 8 5 40, तो 4:5 होगा। देखने में बड़ा ये लगता है लेकिन दम नहीं है दोस्त, आयु का सवाल जो है ना बड़ा आसान होता है। अब देखिए, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। बड़ी सिंपल सी बात है भैया, पुत्र का अगर 1 साल होगा, 1 साल होगा, पिता 3x होगा। दया करके मेरे दोस्त ऐसा न करना कि पुत्र 3x हो कर देना, पिता को x कर देना, तो मैं तब वो करेंगे तो पुत्र जो है वो पिता बन जाएगा, पिता जो है वो पुत्र बन जाएगा, घोर कलिजुग है, लेकिन ऐसा ना करना। अब 12 वर्ष के बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अब है कि प्लस 12 इसमें जोड़ दिया, प्लस 12 इसमें जोड़ दिया, तो ये क्या होगी आधी हो जाएगी, मतलब 1/2, देव दनादन, 2 से x को गुना किया 2x और 2 से 12 को गुना किया 24, 1 से 3x को गुना किया 3x, 1 से 12 गुना किया 12। यहाँ आप चाहे पहले इससे भी गुना कर सकते हैं या इससे भी गुना कर सकते हैं, आप भी जान तब से बोल रहा हूं, लेकिन x के घर में x रहेगा, संख्या के घर में संख्या रहेगा, इतनी सी बात है। और इसका अंतर दिया जाता है 3x और 2x को, मतलब इसका अंतर कितना है 1x है, तो x बराबर 24 और 12 का अंतर कितना है भैया, मतलब 24 से 12 घटाइए 12 हो गया। अब देखिए, पुत्र की उम्र क्या था, x था, है ना, तो पुत्र क्या है x बराबर 12 साल है, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है 12। ये आपके रेलवे के परीक्षा 2009 में आया हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए ये जो है ब्लॉक से कहीं ज्यादा ऐसे नॉर्मल सिस्टम अच्छा बनता है, तो मैं कहीं कसम नहीं खाया हूं कि सारा कुछ ब्लॉक से करूंगा, जहां ब्लॉक के बगैर भी तेजी से हो सकता है तो उस पे हम ब्लॉक को कभी नहीं अपनाएंगे, इस चीज को ध्यान दीजिए। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, अब उनकी आयु उनके विवाह के समय के आयु का 1 × 1/4 गुना है। तो पहले हम ले लेते हैं ए की उम्र जो आज की उम्र है एक्स है, तो 6 साल पहले जब उनकी शादी हो रही थी ए की, तब उनका उम्र क्या था x - 6। ए की आज की उम्र क्या है 1 साल, शादी 6 साल पहले हुआ है,
तो 6 साल पहले जब ए की शादी हो रही थी तब उसकी उम्र क्या था, एक्स माइनस सिक्स। अभी क्या बोल रहा है, अब उनकी आयु उनके विवाह के आयु से 1.1/4 गुना ज्यादा है, तो अभी उनकी आयु ज्यादा होगा ना, ये तो सीधी बात है। तो इसको ये क्या है, ये मिक्स्ड रेशियो को हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर रेशियो में चेंज करेंगे। तो क्या 4 + 4 + 1 क्या होगा, 5/4। तो x की जो वैल्यू होगी अभी वो x माइनस सिक्स में 5/4 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि x माइनस सिक्स जो है वो छोटी है, इसके साथ अगर मैं 4/5 से कर दूं तो और संख्या छोटी हो जाएगी। तो हमने क्यों किया, 5/4 से गुणा क्यों किया, क्योंकि x माइनस सिक्स छोटी है, बराबर लाने के लिए ना नाटे को जो है ना उसके नीचे ही तो यार तुम ईंटा लगाओगे ना, कि नाटा लंबे के बराबर ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि तुम लंबे आदमी के नीचे ही बांस लगा दिए कि वो नाटे का बराबरी कैसे करेगा, इसको जरा समझ लेना दोस्त। अब क्या है देखो, 4x हो गया बराबर 5x गुना मारा प्लस 5 × 6 से क्या 30 माइनस होता, ये सीधा सीधी समीकरण बहुत छोटा है। अब क्या कि 5x से 4x जाएगा तो कितना होगा, x होगा और इधर 30 बचा है तो 30 होगा, तो x बराबर 30। मतलब आज जो उम्र है इसकी, उस बंधु की, उसकी क्या है, 30 साल है। अब बोलता है कि उनके पुत्र की आयु उनके आयु की 1/10 गुना है। उनकी आयु 30 है, पुत्र की आयु 1/10, 10 से 30 कटा मतलब 3 साल है, ठीक है ना। तो देखो इसमें बड़ा ही सिंपल है, ये जीवन एलआईसी का 2009 में ये सवाल आया था और मैं आशा करता हूं कि ये सवाल भी बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ा सा लगता है कि, लेकिन अंदर घुसो तो कोई दम नहीं दिखता है। अब देखो एक और भी है, यहां भी सावधान का लाल बत्ती जला हुआ है। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी, सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु तिगुनी थी, 3x थी, जब स्नेहल की x होगी तो सुशील की 3x होगी। 6 वर्ष बाद बोलता है सावधान, क्यों 6 वर्ष पूर्व से आता है वर्तमान 6 साल और वर्तमान से 6 वर्ष बाद फ्यूचर मतलब 6 + 6 क्या होगा, 12 साल। ऐसा नहीं है कि 6 वर्ष पूर्व है तो 6 साल बाद सुशील 3x + 6 नहीं होगा, 3x + 12 होगा, यही सावधान है। यहां गड़बड़ी किए तो पूरा गया हाथ से गेम, स्नेहल का क्या होगा, x + 12 होगा। अब देखो क्या बोला है, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी होगी। अब देखो सुशील बड़ा है, 3x है, तो 5/3 को भी देख लेते हैं, 5 बड़ी है 3 छोटी है, सुशील बड़ा है स्नेहल छोटा है, ठीक है, मतलब इसको भी एक बार देख लेना भैया जरूरी है। अब 3x + 12 x + 12, अब क्या करते हैं, देख दनादन 3 से 3x को गुना किया 9x, 12 को 3 से गुना किया 36, 5 से x को गुना किया 5x, 12 से 5 × 60, 9x और 5x के बीच में अंतर क्या है, 4x, 36 और 60 के बीच में डिफरेंस क्या है, 24, x बराबर 6। स्नेहल की अभी की एज क्या है, स्नेहल की ये 6 साल पहले की एज थी, अभी की यह एज मतलब इसमें 6 साल जुड़ेगा, तो x बराबर 6 है और 6 साल जुड़ा मतलब 6, तो बराबर 12 इयर्स हुआ। तो देखो ये MBA का एग्जाम 2006 में हुआ, तो मैंने ऐसे क्या बोला ना, किसी प्रसिद्ध बुक जो हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध बुक है उसमें से उन्होंने जो दिया है उसमें से मैंने पिक किया कि हर टाइप आपको मिले और एक ही इसमें सारा सरक जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो उसमें करते भी है ना एक ही टाइप के सवाल, ये जैसे देखो उस वक्त था इसमें था MBA में था, अब देखो बैंक पीओ परीक्षा में 2009 में ये सेम आया था, खाली कैरेक्टर चेंज हो गए थे। फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, वही फराह को एक्स लिया, 8 वर्ष पहले क्या होगा, x - 8,
आज उसकी आयु उसके विवाह के आयु से एक गुणांक दो बटे सात, सात एकम सात और दो नौ बटे सात, आठ वर्ष पहले आज की आयु से तो कम होगी ना, कम को नौ बटे सात बटे नौ नहीं, नौ बटे सात गुना हो, क्योंकि आज के आयु के बराबरी x माइनस एट को करने के लिए क्या होगा, नीचे छोटा ऊपर बड़े संख्या की क्या कहते हैं रेशियो से गुना करना होगा। अब देखो 7x बराबर 9x, आठ नौ बहत्तर, अब 9x और 7x के बीच में डिफरेंस क्या होता है 2x, और माइनस बहत्तर बहत्तर इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x बराबर बहत्तर, तो x बराबर क्या हो गया 36। अब क्या बोलता है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का एक बटे छठा भाग है। उसकी आयु कितनी है भैया, 2x बराबर बहत्तर है, x बराबर 36 है, बेटे का एक बटा छ काट दिया तो बेटे का 6 वर्ष है। अब क्या पूछता है, इतना खाली जोड़ा है सवाल में, तीन वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो 6 से 3 घटाया 3 साल। यहां सिली मिस्टेक क्या होता है जानते हैं, 6 साल निकला, लड़के ने देखा कि यहां पे अरे ऑप्शन तो 6 है, डम मारा निकला, बाद में चला कि रिवार्ड नहीं मिला, ठीक है ना, दो चाटा मिला उसे उस थोड़ी सी जल्दी के लिए, क्योंकि जब जो यहां तक पहुंच गया था उसे तो यहां पहुंचना तो कोई बात ही नहीं था, लेकिन बस जल्दी है। आगे चलते हैं, समीर की आयु अपने पिता की आयु का एक चौथाई है, तो समीर अगर x है, पिताजी गायब हो गए हैं, यहां पे पिता 4x होगा, छूट गया है दोस्त, और अपनी बहन रिया रीमा की आयु की दो तिहाई है। समीर जो है, समीर जो है उसके बहन रीमा के आयु की दो तिहाई है, इसको ही समझना जरूरी है, समीर छोटा कि बहन छोटी, दो तिहाई, दो तिहाई क्या होता है संख्या को कम करता है, मतलब बहन की आयु की दो तिहाई समीर की आयु, दो तिहाई मतलब छोटा बनाने वाला है, मतलब बहन की आयु को छोटा करने के बाद समीर का आयु मिलता है, बहन की दो तिहाई नीचे तीन है ऊपर दो है, मतलब ये जो आपका दो बटे तीन क्या है, किसी संख्या को छोटा करता है, तो बोला गया बहन की आयु को दो बटे तीन से गुणा करने के बाद समीर का आयु मिलता है, लेकिन दो बटे तीन क्या है, किसी को किसी के आयु को कम कर देता है, ठीक है, तो रीमा बड़ी है समीर छोटा है, यह हमें पता चल गया। अब देखो हमने लिखा समीर रीमा पिता, समीर की आयु x ले लिया, अब समीर और उसकी बहन में आयु का संपर्क दो बटे तीन है, लेकिन रीमा बड़ी है, रीमा अगर बड़ी है यहां दो बटे तीन करूंगा तो ये समीर से छोटी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो इसके लिए इसी को उलट दिया जाता है, रीमा नहीं उल्टे, तो इसके लिए संख्या को ही उलट दिया गया तीन बटे दो। अब देखो नीचे दो है ऊपर तीन है, मतलब ये समीर के आयु को बढ़ाएगी, समीर की आयु एक्स है ना, तो अब क्या है एक्स हैगा तो रमीर तीन बटे दो एक्स होगा, और पिताजी तो 4x हैं तो बात हो ही गई है। अब देखो वही कहानी है, ये दो है तो इसे भूलो, और क्या करो, इसे भूलने के लिए क्या करना होता है, इसको दो से गुना किया 2x, ये 3x रहने दिया, फिर इसको चार से गुना किया 8x। अब देखो बोला है समीर रीमा तथा पिता की आयु का अनुपात कितना होगा, तो वही हमने सजाया है, समीर पहले लिखा है, रीमा बीच में है, पिता है, तो 2x 3x 2x is to 3x is to 8x हो गया। तो यहां सावधानी की वाणी यहां पे है, यहां जिसने दो बटे तीन किया समीर की दीदी को समीर की छोटी बहन बना दिया, मामला पूरा गड़बड़ हो गया, ये बैंक पीओ परीक्षा 2009 में आया था। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्त्री की आयु
अपने पुत्र की आयु से तीन गुनी है, तो मतलब पुत्र एक्स है, माता जो है माता जी 3x ही होंगी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु के 1/6 था, ये तो पिता और पुत्र का संबंध है। यदि पिता उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, तो देखो यहां माता को तो 3x हमने ले ही लिया है, तो पिता को सीधा 3x+5 ले लेते हैं। यहां पे इस चीज को याद रखना, ये रेलवे परीक्षा 2006 में है, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व क्या ये वह आज का सबका है, स्त्री का 3x है, पुत्र का x है, पिता 3x+5 है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र का उम्र क्या होगा, x-5, ठीक है ना। यदि उसके पिता उसके माता से, उसके पिता जो है उसके माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, नहीं 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व अभी x है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, x-5। अपने पिता की आयु, पिता के आज की आयु क्या है, 3x है, ठीक है ना। तो 5 साल पहले क्या होगा, ये 5 गायब करना होगा ना दोस्त, तो x-5/3x बराबर 1/6। भैया फिर से समझ ले जरा, अभी पुत्र की उम्र क्या है, x है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगा, x-5 होगा, अपने पिता के आयु का 1/6 है, तो मतलब बटे पिता की आयु लिखना है। पिता की आयु जो है अभी क्या है, 3x+5 है, तो 5 साल पहले क्या होगा, तो -5 होगा, तो +5 -5 कट गया, तो ये 3x आ जाएगा ना, बराबर 1/6 है, 1/6। अब तो हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, दे दनानंद ये 6x लिखा, पता है हम x को इसलिए लिखते हैं, तो ये 3x लिख दिया और 5 को 6 से गुना कर दिया, 30 लिख दिया। देखो यार हम देख रहे हैं, तो मजे की बात, हम सिंबल नंबर को चेंज कर देखते ही नहीं है, ये इस ब्लॉक मेथड का है और आपको गलती तक नहीं होने देता है, इसके आगे आप बहुत सारे इसके इस्तेमाल को देखोगे। तो ये क्या है कि हम जानते हैं डिफरेंस को लिया जाता है, 6x से 3x या 3x, ये 30 आया उतर गया, x बराबर 10 है, तो क्या है पुत्र की ये वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की 1 है, तो मतलब पुत्र की आयु 10 साल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु का 2/5 है। देखो अगर मैं व्यक्ति को x लेता हूं, फिर वही सावधानी वाली, अगर माता को 2/5 लेता, तो 2/5 में 5 नीचे की तरफ है, ये क्या संख्या क्या है, ये जिसके साथ गुना में जाएगा उसके कम कर देगा, तो कभी माता की उम्र तो व्यक्ति की उम्र से कम नहीं हो सकता है, तो फिर क्या करेंगे हम, 5 को ऊपर कर देते हैं, 2 को नीचे, मतलब नीचे अगर छोटी संख्या होती है तो उम्र बड़ी हो जाती है, ये पहले भी बात की है। और देखो 5/2 जो है ना, बेसिकली 5/2 क्या है, 2.5 है। अब देखो क्या बोलते हैं, 8 वर्ष बाद क्या होगा, इसकी x है, तो x+8 होगा, ये 5/2x को 2.5x बोल सकते हैं, +8 होगा, 8 साल बाद ++ करते हैं, तो पहले भी कर रहे थे, अभी क्या होगा, उसकी माता की आयु से आधी होगी, तो 1/2 हो गया। अब तो हम जानते हैं देद दनादन गुना, 2x, 8 × 2 = 16, 1 से किया 2.5x और 1 से गुना किया 8, 2 से 2.5x में अंतर कितना है, 0.5x, 8 और 16 में अंतर कितना है, 8, 0.5x मतलब आधा x बराबर 8, पूरा x बराबर इसको दुगुना कर दिया, 16। अब बोलता है माता की उम्र पूछा है, तो माता का उम्र 5/2x था ना, माता 5/2 × 16, तो 2 से 16 काटा तो 8, 5/40, माता की उम्र जो है 5/40। ये बैंक क्लर्क परीक्षा 2007 में आया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। माया तथा रमा की आयु का अनुपात 4:3 है और उनके आयु का योग 28 वर्ष है, 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बड़ा ही सिंपल है,
लेकिन यह कलम रुक जाता है, मैंने बहुतों को जूझते हुए देखा है। लिखो माया 4x, रमा 3x, ये आयु का योग 28 है, जैसे 28 होगा ये अंतर नहीं होगा, जुड़ जाएगा, अभी पहले भी हमने एक दो में किया हुआ है, तो अब ये अंतर नहीं होगा, जुड़ेगा, 4 और 3 7 x हुआ, बराबर 28 हुआ, x बराबर क्या हुआ, 4 हो गया। अब 16 वर्ष बाद रामा और माया की, चलो माया की तो 4 x है, x बराबर 4 है, तो 4 को 4 से गुणा किया 16, और 16 साल बाद मतलब और 16 जुड़ा, तो 16 और 16 32 हो गए, और रमा की जो उम्र है वो 3x है, तो 4 से 3 को गुणा किया 12, और 16 साल मतलब फिर 16 जोड़ा, तो 32/28 हुआ। अब अगर हम काटते हैं तो 4 से काटते हैं तो 4 8 32, 4 7 27, तो माया और रमा का जो उम्र का अनुपात होगा 16 वर्ष बाद वो 8:7 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहन के पिता की आयु मोहन की वर्तमान आयु से दोगुनी है, यदि मोहन की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले मोहन की पिता की आयु मोहन से तिनगुनी थी। देखो यार ये जो है हमने जानबूझ के ऑप्शंस को भी लिखा, ये ऑप्शन से करना बहुत ही फास्ट होता है। तो देखो पहले तो बोल दिया कि मोहन की अभी की उम्र 20 साल है, चलो पिता की उम्र दुगुना होगा तो 40 साल होगा। अब है कि पूछता है कितना साल पहले मोहन का जो उम्र था उसके पिता का एक तिहाई था, तो पहले 8 दिया है तो मोहन का 20 में से 8 घटाया 12, पिता का है 40 माइनस 8 साल पहले, तो देखा 12 और 32, बोला तीन गुने का संपर्क होना चाहिए, 12 तिहाई तो 36 होता है, तो इसको हमने काट दिया, चलो काटा तो नहीं है अभी, अरे यार जिस बंदे को देता हूं करता क्या है, तो चलो इसको हम काट देते हैं, ये ऑप्शन तो लगा नहीं, ठीक है ना। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है 12, तो 20 मोहन से 20 में से 12 घटाया तो 8 हुआ, मोहन के बाप का 40 साल उससे 12 घटाया तो 28 हुआ, 8 और 28 में तो तीन गुने का संपर्क नहीं है, 3 8 24 होता है, तो ये भी आपका गलत हुआ, तो इसे भी हमने काटा। अब आते हैं कि तीसरा, देखो ऑप्शन 10 है, अब मोहन का 20 में से 10 साल पहले करेंगे तो मोहन से 10 घटाया तो मोहन का 10 साल उम्र होगा, पिता का भी 40 साल है उसमें से अगर 10 साल पहले की बात करें तो 40 साल से पिता की उम्र भी 10 साल छोटी होगी ना, तो 30 साल होगा। अब देखो अब मोहन की उम्र 10 है आज से 10 साल पहले, पिता की उम्र उस वक्त 30 साल थी, तो मतलब ये 10 का तीन गुना 30 होता है ना, तो वही ना मोहन की पिता की आयु मोहन से तीन गुनी थी, तो यहां पे ये संपर्क जो है ये सही हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही होगा, और हमने यहाँ पे 3 पे हमने कर दिया। तो आशा करता हूं कि ये तो देखिए काफी सही है, मैं ऐसे भी बहुत ज्यादा आपके ऑप्शन को इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं होता हूं, क्योंकि पहले मैंने करके एक गलती कर चुका था, अब मैं उसको नहीं करता हूं, क्योंकि देखने में तो सारे ऑप्शन से बहुत जल्दी आपके उम्र के मैथ जो है एज के मैथ निकलते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में वो पॉसिबल इसलिए नहीं होता कि जैसे ही आपको प्रेशर आता है ऑप्शन से चेक करने का तरीका ही लोग भूल जाते हैं। तो फिर मैंने एक ही सिस्टम को रखा हुआ है, जैसे ब्लॉक मेथड का भी उसको रखा हुआ है। तो आशा करता हूं कि कमजोर छात्र जिसको हम बोलते हैं यहाँ कमजोर और मजबूत का नहीं है, ये तो आप आकर्षित हो इसके लिए मैं बोलता हूं, बहुत सिंपल सी बात बोलता हूं, मैं कभी नहीं मानता कि कोई भी मैथ में कमजोर होता है, क्योंकि मैंने कमजोर छात्रों को बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस करते हुए देखा है, और मैं इस सत्यता को जानता हूं कि जरूरत पड़ने पर हर कोई मैथ अच्छी तरह करना जानता है, लेकिन जो मैथ को निरस मानते हैं उनके लिए मैथ सरस बने इसके लिए घिसे पीटे तरीके से बाहर निकाल के कुछ करने को कुछ दिखाने को मेरे को लगता है कि करने से मिलेगा, और आप लोगों का बहुत ज्यादा समर्थन मुझे प्राप्त है आपके बातों से, आपकी इससे मेरे को एक बात समझ में आता है, ये सवाल जो है आपके लिए काफी सही दिखता है, तो जिसके लिए आप इसे बड़े प्रेम भाव से ले रहे हैं इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त बोलना नहीं चाहिए, मैं जानता हूं हर किसी ने मेरे को
सब्सक्राइब किया है, तो भी कोई अगर पहली बार देख रहा है भूले भटके, तो जरूर दोस्त सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर मंगलवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार को इस तरह की चीजों को लेके मिलता हूं। अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपके लिए जरूर ये फायदेमंद होगा, मेरे लिए तो फायदेमंद है ही है, आपका समर्थन जो है वो मेरे लिए फायदेमंद की बात है। अब पूछो फायदेमंद की बात कैसी है, लोग सोचेंगे, नहीं दोस्त वो मत सोचना, क्योंकि आप जान के रखिए, पहले एक आदमी देखने से आप देखते 6 पैसा मिलता था, अब यार वो भी घट गया है, 4 पैसा मिलता है। लेकिन कहीं से दिल जुड़ता है, मैं 62 साल का बुढ़ा क्या करूं, कुछ वक्त आप लोगों के बीच में कट जाता है, कहीं लगता है चलो मैंने भी तो कुछ दिया, मैंने भी तो कुछ किया। ओके देन, चलिए आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं, कल जरूर मिलेंगे कुछ नई चीजों को लेके। ओके देन, बाय बाय।